कोई इंसान अच्छा या बुरा पैदा नहीं होता, मजबूरियां और हालात उसे अच्छे या बुरे सांचे में ढाल देते हैं। 10 नंबर बेड पर मैं जो पेशेंट को छोड़कर गया था उसका क्या हुआ? 10 नंबर बेड का पेशेंट जा चुका जी हाँ, क्योंकि वो सीरियस केस नहीं था, इस वजह से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। सुनिए, माफ कीजिएगा, ये पर्स शायद आपका है, उसने लेने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? मेरी माँ कहाँ? उन्हें बोलते क्यों नहीं? क्या है मेरी माँ को? छोटी बोल, मेरी माँ कहाँ है? तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता कुंदन बेटा, हमने बहुत जतन किए मगर तेरी माँ को बचा न सके। हमने बहुत देर तक राह देखी तुम्हारी और फिर अग्नि देवता की गोद में सदा के लिए उसे सुला है। आज के बाद हमारे मोहल्ले की कोई भी माँ इस तरीके से नहीं मरेगी, कोई भी भाई इस तरीके से नहीं मरेगा। माँ, आज के बाद हमारे मोहल्ले के हर घर में चूल्हा जलेगा और बहन के हाथ पीले होंगे और मरीज को दवा मिलेगी। माँ, तरीका जायज हो या ना जायज, मैं कसम पूरी करूंगा। माँ, बेटा भूख लगी है, मैं ऐसे खाऊं क्या? खाना जल्दी से लेकर आओ। क्या ले आऊं? और कुछ भी लेकर आओ, जो कुछ भी तैयार है। चपाती लेकर आओ, चावल लेकर आओ, जल्दी से कुछ लेकर आओ। ये क्या है? बेल। बेल। अगर बेल के लिए पैसे मेरे पास होते तो मैं एक होटल खरीद कर खुद वहां मुफ्त का खाना क्यों नहीं खाता रोज? आपके पास पैसे नहीं? जी नहीं। तो मैंने साहब के पास चलना पड़ेगा आपको। चलिए चलिए। आप बेल नहीं देते? पैसा नहीं तो खाना क्यों खाया? भूख लगी थी। तुम पागल तो नहीं हो? पागल होता तो भूखा ही मर गया होता। ये पैसा कौन देगा? मैं दूंगा। अब एकदम भूखे तो पैसा कैसे दूंगा? आपके खाने के बदले में आप जो जी में आए मुझसे काम करवा ले, मैं करने को तैयार। मसलन आप मुझसे प्लेटें साफ करवा लें, यकीन कीजिएगा कि मेरे हाथ की सफा की हुई प्लेटों में से ना तो मछली की बू आएगी और ना ही अंडों की। मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। ए मिस्टर, आप किसी तरह से पैसे रखो, मैं तो आपके गले के अंदर उंगली डाल के सब खाए पिए सब निकलूंगा। ऐसी गलती मत करना प्यार। एक बार पहले भी एक साहब ने ऐसी हिमाकत फरमाई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी उंगलियां अब तक मेरे पेट में मौजूद हैं। कितना बिल है? मैंने आपसे भीख तो नहीं मांगी। पुट इट इन माय अकाउंट। कर दे रही हूँ। सूट के साथ वापस लौटा दूंगा मैं। आदमी तुम दिलचस्प मालूम होते। शुक्रिया, आप काफी ज़हीन हैं। कुछ और चाहिए? जितनी भूख लगी थी उतना मैं खा चुका। इतनी जुबान चलती है, दिमाग भी चलता है। आजमा कर देख लीजिएगा मैम। काश पहचानते हो। खानदानी पत्तेबाज हूँ मैम साहब।
मेरा मतलब है कि लोग पत्ते लगाकर जीतते हैं और यहाँ ये आलम है कि पत्ते लगे लगाए यहाँ चले आप। आजमाने पर तुले हुए आप, लेकिन इस वक्त आपको सूद नहीं मिलेगी। ये बेईमानी है, तुम ये मान लेकर नहीं जा सकते। माल? किसका माल? रेड रोज, पत्ते बाज, मेरे पैसे। लोग कहते हैं कि जुए में जीतने वाला इंसान मोहब्बत में जरूर हारता है। अगर आप मेरा इसी तरह साथ देती रहीं तो मैं ये साबित कर दूंगा कि खानदानी पत्तेबाज सिर्फ जीतना ही जानता है, जुआ हो या मोहब्बत। आपने आज की महफिल में चार चांद लगा दिए। ये तो आपकी जरा नवाजी है, वैसे चांद तो एक ही होता है, चाहे वो आसमां पे हो या जमीन पे। जी मुझे कुंदन कहते हैं। आदमी आप काफी दिलचस्प और काम के मालूम होते हैं। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। आप जैसे इंसान हमारे साथ रहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जी अगर आप चाहें तो आप हमसे मिल सकते हैं। ऐसी खुशगवार मुलाकात से कौन इनकार कर सकता है, ये तो हमारी खुशनसीबी होगी। जी इस पते पर आप कभी भी आ सकते हैं। रेड रोज, मैं ये हर रोज की नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर ये जहाज की खबर बाहर कैसे गई? तुम्हीं लोगों में से कोई ना कोई गद्दारी कर रहा है, उसे मालूम करो। हैरत तो इस बात की है कि तुम्हारी इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें दाव तेज कहाँ सीखे? दाव दिमाग ने सिखाए हैं और पेच दिल। और यकीन जानिए कि अब तक मैंने अपने दिल और दिमाग का दाव पेश नहीं होने दिया, दोनों को अपने अपनी जगह रखा। हो, मैंने भी तुमने कुछ देख कर तब दोस्ती का बढ़ाया। आज कटेगा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। कल सुबह 8:30 बॉम्बे सेंट्रल। हाँ, इसमें भी तुम पार्टनर हो। Thank you.
ठीक से दोबारा ना होता क्यों बे? क्या लेगा चंपी का? जो खुशी में आए दे देना हुजूर, बंदे का काम से सेवा करना है। वाह बेटा, हो जा शुरू। अबे उधर नहीं, इधर। हाथ 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 क्यों बे? कभी एक हाथ से भी चमती होती है? तेरा दोनों हाथों का कमाल तो दिखा। वही तो दिखा रहा था हुजूर, खाली पीली रुमाल के चक्कर में। अरे बॉस, चंपी का तो अभी मजा आएगा। इधर तुम्हारा आंखें मुंद गया, इधर अपन के भी आइस का बैटिंग डाउन होता है। अब ऐसे जितना टांग दबा नहीं तो लात पड़ेगी। चल चल, दबाता है। उस्ताद से रंगबाजी है? हुजूर, उस्ताद तो हमने आपको उसी दिन मान लिया था जिस दिन सिंह और उनके पट्टों का ठिकाने लगा दिया था आपने। एक दाव भी तो नहीं चुका। क्या मार रहा है? अरे उस्ताद बचाओ। अबे मालिश वाले की औलाद, सिंह के यहाँ तू क्या कर रहा था? बंदा वही कर रहा था जो उस्ताद कर रहा था। आप हजारों के चक्कर में थे, अपन दवन्नी चवन्नी के फेर में थे। वारे बेटा, बड़े काम का हथियार है तू। क्यों शर्मिंदा करते हो उस्ताद? छुटपन से अकेला हूँ। जवानी कसम, तुम जैसे उस्ताद पाने की दिल में तमन्ना है, उसे पूरी कर दो। मान से धोखा नहीं दूंगा। क्यों मैं चोटी रख लें इसे? क्या ख्याल है हा? अरे उस्ताद ख्याल पूछता है, भाई का हाथ बहुत सॉलिड पड़ता है, थोबड़ा अभी तक सीधा नहीं होता। क्यों मैं, तेरा नाम क्या है? दिलबर हुसैन। देख, अपने धंधे में डबल नाम नहीं होता। अपना नाम है कुंदन, इसका नाम है चोटी। आपका विश्ववेदा सतीन सार्ख्ययो कृष्णे सतीनो ब्रह्मतिर ददातु शांतिरस्तु सर्वे जना। सब कुछ ठीक हो जाएगा लाला जी, पहले शादी तो हो जाने दो। शादी बाद में होगी, पहले 1000 किलोग्राम और 5 तोले सोना पहले दिखला दो, जब तो ये शादी होगी। राम राम कहो लाला, ये बिचारी विधवा इतना कहाँ से लाएगी? जुम्मन चचा, विधवा की लड़की के साथ शादी करने के लिए क्या मेरा ही लड़का बाकी रह गया था? ये कभी न होगा। फिर ये पंडित जी, ये शादी नहीं होगी। ऐसे न कहो लाला, ये बिना बाप की बच्ची है, इसे अपनी बच्ची समझ के स्वीकार कर लो। ये नहीं होगा, मैं बारात लेकर जा रहा हूँ। लाला, तुम्हारे घर में भी कोई बच्ची है लाला? हाँ, मेरी 2 बच्चियां हैं। ये भी तो किसी की बच्ची है लाला, जिसे तुम छोड़कर जा रहे। जरा सोचो लाला, कल तुम्हारी बच्ची को कोई अगर ठुकरा कर चला जाए तो तुम्हारे दिल पर कैसे गुजरेगी? हाँ, मगर मैंने तो पहले बात पक्की कर ली थी। अरे लाला, कोई भी शरीफ आदमी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करता।
तुम्हें अपने बेटे के दाम ही चुकाने हैं तो जा उसे बीच बाजार में खड़ा कर दे, जो ज्यादा बोली देगा ले जाएगा उसे। लाला जा यहाँ से, अपनी बारात और अपने बच्चों को ले जा यहाँ से। हम लोग अपने बहनों और बेटियों की इज्जत और आप लोग को नीलाम नहीं करते, समझे? ये तू क्या कर रहा है बेटा? चाची रजनी तुम्हारी बेटी सही, लेकिन आज से वो मेरी बहन है। मैं खुद उसके लिए एक नेक और शरीफ घराना ढूंढूंगा। चाची तू फिक्र मुंह क्या सकता है, लाला जा ले जा अपनी बारात यहाँ से। तुम्हारे जैसे नेक और शरीफ इंसान हमारे मोहल्ले में बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम लोग जैसे अच्छे हैं, जा ले जा यहाँ से अपनी बारात को। माफ करना देर हो गई। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? मेरे सर में बहुत दर्द है और कुछ बदन भी टूट सा रहा है। बुखार तो नहीं? मेरे पास सर के दर्द की बेहतरीन दवा है, बहुत ठीक कर दूं। दीजिए ना बॉय, एक गिलास में पानी और एक चम्मच लेके आओ। क्या है ये? तुम्हें तो अच्छी दवा है। सर का दर्द एक मिनट में ठीक हो जाएगा। मैं मुंह धो लूं, अभी आए। तुम्हें मालूम है आज हमें अशोक से बहुत कुछ मालूम करना है। ये कौन है, यहाँ क्यों आया है, हम लोगों से मिलने की कोशिश क्यों कर रहा है, और इन सब बातों को मालूम करने के लिए सिर्फ दिमाग ही से काम नहीं लेना है बल्कि आइए ना सर। माफ कीजिएगा जरा देर हो गई, एक जरूरी काम में फंस कर रह गया। कोई बात नहीं, निकल जाए। अरे आप, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तस्वीर रखिए। अब आप क्या पीजिएगा? जी मैं पीता नहीं। आप पीते नहीं या तकल्लुक कर रहे हैं? तकल्लुक तो गहरों से किया जाता है। वैसे अगर आप चाहें तो जरूर शौक फरमा सकते हैं। मैं तो बिल्कुल पीता ही नहीं, मेरा मतलब तो कुछ शरबत वगैरह हो जाए। नो थैंक। तो फिर मेरा ख्याल खाना लग जाए। जैसी आपकी मर्जी। के खाने का जम कर दो। ये समाचार आप आकाशवाणी बम्बई से सुन रहे हैं। भारत के पश्चिम में अरब सागर के किनारे मूसलाधार बारिश होगी। बम्बई में बदली रहेगी, कहीं कहीं गरज चमक कर छींटे पड़ेंगी। साहब को बुला। बोरी बंदर और बम्बई सेंट्रल स्टेशनों पर गांजा चरस अफ्यून और कोकीन लाने वाले गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। बताया जाता है कि गिरफ्तार होने वाले 6 व्यक्ति के पास कुल 10,000 का माल मिला। उत्तरी बम्बई में बच्चे उठाए जाने की कई घटनाएं हुई और पुलिस उन बदमाशों का पीछा कर रही है। अफीम, कोकीन और शराब शहर में काफी खुलन खुला बिकती है, और अब तो हमारे बच्चे उठाए जाने लगे, और हमारी पुलिस है जो कि आराम से सो रही है, न जाने कब जागेगी। चंद रोज की और बात है, हमारी पुलिस जरूर कामयाब हो जाएगी। आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? हर बुराई की पहल बेहद कामयाब और शानदार तरीके से होती है, लेकिन उसका अंजाम उतना ही बुरा और भयानक होता है। जब तक पुलिस उन लोगों को पकड़ेगी, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक का कितना नुकसान हो जाएगा? और वो माँ बाप जो अपने बच्चों की मुंह मांगी कीमत ना दे सकेंगे, क्या वो लोग उनके बच्चों को जिंदा छोड़ेंगे? बुराई को मिटाने के लिए किसी को कुर्बानी करना ही पड़ेगी। ओहो अशोक साहब, आप तो पुलिस की खड़े तारीफ कर रहे हैं जैसे कोई आपका रिश्तेदार पुलिस में हो। ये तो नहीं, मैंने हमेशा कानून की इज्जत की। इज्जत तो मैं भी करता, क्या दिल्ली छोड़कर आपको बम्बई इसलिए आना पड़ा?
आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे लिए दिल्ली और बंबई दोनों बराबर हैं। अशोक बाबू तो आप प्लेट पर ध्यान दीजिए। ओह वेरी फाइन फूड, खाना क्या आपने पकाया है? अगर पसंद है तो मैंने पकाया, वरना बावर्ची ने। छोटी बच्चे मोहल्ले में खैरियत तो है? सब ठीक है बाप। क्या मामा? कुंदन बेटे आज तुम्हारे घर का दरवाजा देर तक बंद रहने की वजह से सब मोहल्ले वाले घबरा गए थे। ओ मामा वो तो ऐसा हुआ कि रात को जरा सोने में देर हो गई, इसलिए सुबह जरा जागने में देर हो गई। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा, तुम्हारे सहारे तो सारे मोहल्ले वाले जीते हैं। मामा इस मोहल्ले के सहारे तो मैं जिंदा हूँ, वैसे और मेरा कोई नहीं है। बिंदु काका तुम्हारा काम कल सुबह तक हो जाएगा, तुम घर पे आके ले जाना चाहिए। अच्छा चाची हकीम साहब ने कहा कि तुम्हारी दवा शाम तक बन जाएगी, लेकिन चाची साथ में हकीम साहब ने कहा कि चाची से कह देना कि बीड़ी पीने की आदत छोड़ दें। अच्छा। हैं चाची? सुलेमान मियां आ रहा है सर, ऑफिसर साहब ने कहा कि फेरी के लाइसेंस के लिए अभी 2 दिन और लगेंगे हैं, तुम चोटी से पूछ लेना। अच्छा। तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम चटनी की माँ बच्चों का ख्याल रख रही है नहीं? जब देखो बाल सवारती रहती है, जब देखो बाल सवारती रहती है। भैया की बच्ची जब देखो हंसती रहती है। अरे कम वक्त, हफ्ते भर में तेरी शादी होने वाली रजनी की बच्ची, चल मेरे साथ। जानती माँ क्या कहती थी? माँ कहती थी जिंदगी 3 अच्छी चीजें होती हैं, एक हंसना, एक खाना और एक बहुत बहुत सोना है। अगर तुम कहीं मेरे नौकर होते तो पंखे से उल्टा टांग देता मैं। सही फरमा रहे हैं आप, कुछ न कुछ सजा तो मिलनी चाहिए। आजा आजा बेटा राजू आजा। फिर कभी ऐसी बदतमीजी की तुमने तो पुलिस में खबर कर दूंगा मैं। चलो बाय बाय। आदमी नहीं बिल्कुल हीरो है, हीरो। हीरो अंकल ने डूम इधर नहीं, इधर डूम डूम नहीं, डूम कौन भाग गए? वो लोग डैडी जो मुझे उठा कर ले गए थे, और मगर हीरो अंकल ने क्या किया, सब कुछ कर दिया। बड़ा बहादुर निकला तुम्हारा हीरो अंकल। हीरो अंकल तो मेरे से भी बहादुर है। शाबाश मेरे बेटे शाबाश। क्या नाम है तुम्हारे अंकल का? हीरो अंकल। अरे बेटे हीरो अंकल भी कोई नाम होता है, है? क्यों नहीं, आपका नाम डैडी, उनका नाम हीरो अंकल। बिल्कुल ठीक कहा है। तुम्हारा हीरो अंकल रहता कहाँ है?
में? वो कहाँ है? घर के अंदर। अच्छा, एक दिन हमें भी मिलाओ ना तुम्हारे हीरो अंकल के साथ। मिला दोगे? अच्छा, तो हम जब तुम्हारे हीरो अंकल से मिलेंगे तब हम उन्हें बहुत रुपए देंगे। अच्छा बेटे, अब तुम सो जाओ। मैं भी सोता हूँ। अच्छा, बाय बाय डैडी, गुड नाइट डैडी। गुड नाइट, बाय बाय। क्या मेरे बच्चे को उठाने वाले लोग उसी गैंग के हैं? हो सकता है। जिस घबराहट में सिंह ने 16 तारीख को रेडियो बंद किया उससे तो यही जाहिर होता है। सब के सब मार कर से बच्चे को नहीं उठा सके और फिर एक आदमी से मार खा के चले आए। नंबर 2 और नंबर 7 को 11 नंबर सजा मिले। नंबर 2 और नंबर 7 तो यहाँ कैसे हा? बहुत रात हो गई थी, तू घर नहीं आया, तुझे ढूंढने चला है। अबे तू पढ़ क्या रहा है? तू पढ़ा लिखा है क्या? नहीं यार, तेरी इंतजार में हीरोइन की फोटो देख रहा था। अरे बेटा, जवान हो गया तू क्या? किस पे दिल आया है? बात यह है यार, जिस पर दिल है उसे मालूम ही नहीं। यार एक बात तो बता, क्या तेरा दिल किसी पर नहीं आया कभी? मैं इस चक्कर में नहीं आने वाला दिलबर। और कोई लड़की भी तेरे चक्कर में नहीं है? तो सही बेटा, बड़े डोरे डालती है मुझ पे, लेकिन अपने को पसंद नहीं। क्या कमी है उसमें? यार बात यह है कि वो होटल की लड़की सैकड़ों मर्दों के साथ नाचती कूदती रहती है, हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो जो दिल से हंस बोल लिया करे और प्यार से पांव सांव दबा दिया करे बस। यार थोड़ी देर के लिए मुझे वो लड़की समझ ले, बस वो तो दिए हैं ला पांच में भी दबा ले। दबाती हूँ? ओ यार, इस वक्त मैं लड़की हूँ ना, तेरी दिलबर हूँ ना। अच्छा ला, शुरू हो जा और देख, अगर आंख लगे तो जगाना मत मुझे, तू भी यही कहीं लामलेट हो जाना। अच्छा, हमारा कुश्ती कर रहा तू क्या? प्यार से दबा, छोकरी की तरह दबा। अच्छा, जय जय श्याम। क्यों रे जुम्मन जी, ना तो अपना भाड़ो देवे ना और किसी को देने देवे है। तुम लोगों ने सेठ मुरलीधर की चाल को सुसर का घर समझ रखा है क्या? यूं पूछूं इतना भाड़ा कौन देगा? सेठ जी, हम सब लोग आइंदा महीने आपकी पाई पाई चुकाते हैं। आइंदा महीने सुनते सुनते 9 महीने तो बीत गए। सुनो जी मुनीम जी, जुम्मन जी पे तो आज ही नालिश ठोक दो और आगे बोल लो। चंदा भाई पे 4 महीने का सेठ जी, चाची पे 7 महीने का, अनोखे राम का 2 महीने से पता नहीं, रामलाल भाड़ा मांगो तो मारने को आवे, जागीर लाल आजकल करे है। तो इनका रोटी कपड़ा भी हमारे जिम्मे कर दो आज से। अरे मैं तो यूं पूछू हूँ मुनीम जी, इनमें से कोई सुसर भाड़ो देवे भी है? सब देंगे सेठ जी, थोड़ी देर और सबर कीजिए। सबर करने को भी हम ही रह गए जी। सुनो जी मुनीम जी, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, इन सबका लोटा गढ़वी बार फिर को निकाल के और सरकारी ताला लगवा दो। ऐसा ना करो सेठ जी, ये छोटे छोटे बच्चों को हम कहाँ ले जाएंगे? ये तो तुमने बच्चे जनने से पहले सोचा होता जी, हम थारे बच्चों के जिम्मेदार हैं। सुनो जी मुनीम जी, जैसे हमने बोला वैसे ही करो
और जो कोई भी इसमें दादागिरी करे तो थाना बिठा दो लाज। तो बोलिए सेठ जी, कुंदन दादा आ गया तो बही खाता संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे मुनीम जी, हम कुंदन के घर रोटी खाने जावे हैं क्या? आता है तो आने दो, आज दो दो बात का कुंदन से भी हो जाए तो अच्छा। बैठ जाओ, अभी लाता हूं। थैंक यू। अब तबीयत कैसी? एकदम अच्छी हो गई हूँ। आप जी मुझे कौन सी दवा देते हैं जो जादू का असर करती है? बताऊंगा। ये कौन हमारा? आइए सेठ जी, कैसे आना हुआ? सेठ जी तो एक ही गरज से आते हैं। यानी माल तो खत्म हो गया? आपकी कृपा है। फिर ऐसा करिए, थोड़ा माल तो आप अभी ले जाइए और बाकी मैं कल भिजवा दूंगा। अच्छी बात है। कहाँ चली? कहाँ जा रही हो? घर। तुमने तो ठहरने का वादा किया था। आप भूल रहे हैं बॉस, मैंने तो यहाँ आने का वादा किया था, ठहरने का तो नहीं। कोई बात नहीं, कल फिर आओगी और इस बार ठहरोगी। बाय बाय। देखो आज वो इधर ही से आएगा, सब लोग घेरा डाल लो। वो कैसे? आसान काम है, तुम लोग सब मिलकर मुझे मारो, वो मुझे बचाने आएगा, मैं अपना काम कर जाऊंगा। मान लिया ठेंगू। अरे दो 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 दो। अरे अच्छा, ये तो बेहोश हो गया, उठा इसको। क्या होते हो सर? बताओ, उठा उठा इसको। भाई का अंजर बंजर ढीला हो गया एकदम। दिलबर हुसैन, ओ दिलबर, दिलबर, अरे वो पक्के आंखें खोल। ओ छोटी, जरा देख, घर में अगर क्या हल्दी और चूना और तेल अगर है तो ले आ, और फिर जाके डॉक्टर को बुला ला।
नखरे और नखरे क्यों तो है? लेडी डॉक्टर को बुलाना। क्या सोचता है बस? छोड़िए बच्चे, सोचता हूँ कि मैंने सारी बंबई को चक्कर दिया बेटा, और ये कमबख्त छोकरी अपन को चक्कर दे गई है। चक्कर नहीं बॉस, घन चक्कर बना गई। लेकिन एक बात हमारी समझ नहीं आई, क्या इस छोकरी को क्या जरूरत थी कि ये छोकरा अपने आप को समझ कर हमारे साथ रहे? बॉस मेरे को डाउट है, वो जरूर सीआईडी का छोकरी होएगा। सोचने की बात, मैं पता लगा। ओके बॉस। सिगरेट पियोगे? कहो मिस्टर, तुम्हें दिलवर हुसैन कहूं या सिर्फ दिलवर ही चलेगा? मेरा नाम दिलवर नहीं, रीना है। तो तुम्हारा नाम रीना है? मान लिया कि तुम्हारा नाम रीना है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि तुम लड़की से लड़का कैसे बन गई? मजबूर थी। मगर क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में मुझे सहारा देने वाला कोई ना था। तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। लेकिन ये पॉकेट मारना तुमने कहाँ से सीखा? कहा तो है बचपन में माँ बाप मर गए थे, और सारी जिंदगी सड़कों पर काटी है मैंने। ये उठ के तुम कहाँ चले? मुझे जाना है। कहाँ जाना है? कहीं भी। जब तक तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझे किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना। अगर मैं तुम्हें बोझ समझता तो यहाँ लाता ही क्यों? चलो बैठ जा। ए! छोड़ी बच्चे। यस सर। बेटा अच्छी तरह से बाहर पहरा देना। यस सर। और बेटा देखना कि मोहल्ले के किसी भी आदमी को खबर ना हो कि अंदर एक महिला है। और बेटा ये खिड़की दरवाजे सब बंद रखना। यस सर। और बेटा आज माला से बिल्कुल नहीं मिलना। यस सर। और देखना कि तुम अंदर भी नहीं जाना। हाँ चाची, मैं तेरे पास आ रही थी। चाची तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है? हाँ चाची, वो मेरे ध्यान में अच्छी तरह से है बात। हाँ चाची तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पूरा दिन ही कितने रह गए। चाची तुम घर जाके इत्मीनान से बैठो, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। चाची है आओ चाची, कट्टे करो। भगवान भला करे। मैंने कई बार तुम लोगों से कहा है कि ये जुआ और ये ताश की आदत मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जाओ अपना काम करो, और काम नहीं करे काम भूलो। तो माने अपन के उस्ताद कभी अपन को रॉन्ग समझते हैं और दूसरे को राइट। क्यों ठीक बोलते हैं ना? हो सकता है, मगर तुम्हारा उस्ताद काम क्या करता है? हुँ? काम गरीबों की मदद और देश की सेवा। बाएं हाथ से लेता है और दाएं हाथ से देता है। क्या देता है? धन दौलत माया। ये सब दौलत आती कहाँ से? ये तो अपन को नहीं मानी, बट अपन के पास किसी चर्च का पुजारी नहीं है। अच्छा तो ये बताओ और कौन रहता है इस घर में? वस्ताद का मम्मी था, वो डेथ हो गया, अब हम और वस्ताद रहता है। वस्ताद अंदर, हम बाहर। छोड़िए बच्चे। यस बॉस। मामला कैसा है? फर्स्ट क्लास, ब्यूटीफुल, एकदम ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को डाउट नहीं हुआ, बट उसको शक हो गया। क्या मतलब? कि वो छोकरी है, I mean girl। यानी कि तुम अंदर गए थे? वर्स्ट टाइम। क्यों गए थे अंदर? एक गलती हुई। मैंने तुम्हें मना किया था ना जाने। मिस्टेक। क्यों गए थे? नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। मिस्टेक तो बच्चे। मैं भी रहता हूँ। छोड़े बच्चे। What happened, boss?
आ गए तुम भी कमाल करता है, गया हो तुम पूछते हैं मेरे को। मैं तेरे को यहाँ किसके रखते गया था, इसके वास्ते कि वर्ल्ड को खबर नहीं होएगा, किसी को मालूम नहीं होगा। आई मीन यहाँ से तेरे को भी मालूम नहीं होगी कोई यहाँ से हो गई है। नहीं बस थोड़ी देर के लिए मुझे वो लड़की समझ ले, बस बोल तो दिए हैं ला पांच में भी दबा देती हूँ। दबाती हूँ? ओ यार इस वक्त मैं लड़की हूँ ना, तेरी दिल बस हूँ ना। दिलबर के बच्चे मेरा मतलब है राजकुमारी दिलबर हुसैन, नहीं रीना, और क्या क्या नाम है तुम्हारी? सुनो तो क्या खुशबू, उस दिन कहां छुपा रखी थी? हस्ती क्या कुछ बोलो ना। क्या तुम? मैं? उस दिन बिना कहे घर से क्यों चली आई? हस्ती कैसे, तुम जान गए थे ना कि मैं लड़की। मैं कोई बुरा आदमी हूँ क्या? बेशक बहुत बुरे आदमी हूँ, तुम बहुत बुरे काम करते हो। अरे मैं जो कुछ भी हूँ अपने लिए बहुत ठीक हूँ, सारे मोहल्ले को खुश रखता हूँ। सारे मोहल्ले को खुश रखते, जानते हो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी और सजा देगी। मैं उस सजा को इनाम समझूंगा। और किसी के दिल पर क्या गुजरेगी? क्या सुन रहा हूँ मैं, इस तरह की छोकरी। आपने मुझसे कुछ कहा? अभी तो चपरासी से कहा है और फिर आपसे कहूंगा और इसके बाद अपने आप से कहूंगा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब ये कि मेरी तो रातों की नींद हराम हो रही है और आप आराम से सो रही हैं। किसी काम की वजह से मैं रात को सो नहीं सकी। I'm so sorry. What do you mean by sorry? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि ये बच्चों के किडनैप होने की खबरें हर रोज हमारे अखबार में छपती हैं और हर रोज बच्चे किडनैप होते हैं और आप जानती हैं इसका नतीजा क्या हुआ है? पुलिस मुझ पर शक करने लगी है और मैं पापा। यस सर। गेट आउट। देखिए मिस रीना, अगर आप चाहें तो मैं बॉम्बे टाइम्स की एडिटरशिप अभी रिजाइन कर देता हूं, लेकिन ये हर रोज की डिस्ग्रेस और इंसल्ट मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनता और देश की सेवा करने वाले किसी से डरा नहीं करते सर, और ना ही वो इतनी जल्दी घबरा जाते हैं। मैं जानती हूँ लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, पर उन लोगों के लिए सोचिए जिन्हें हमारा पेपर जुर्म से बचाता है। घबराइए नहीं सर, आने वाली कल ये साबित कर देगी कि बॉम्बे टाइम्स एक ऐसा पेपर है जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिली। हाय, आज क्या लोगी चमकती थी? क्या दोगे? जरा दबा के उंगलियां चला, खोपड़ी चलेगी तो समझ में आएगा कि तुझे क्या दी। ऐसा? हाँ, बिल्कुल इसी तरह वो भी मेरे बालों से खेला करती थी, लेकिन जो जादू उसके हाथों में था ना, वो बात तेरी उंगली में नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अरे, उसका प्यार तेरे प्यार से बहुत ज्यादा आगे था, मीनो आगे था। अरे सुन तो, और कहीं रूट जाओ तो हाथ जोर जोर के मुझे मनाती थी, दो दिन रुकू नहीं तो हाथ के प्यासी हो जाती थी, घंटों मेरा इंतजार करती थी। जानती वो कौन थी? मैं नहीं जानना चाहती। अरे मैं तुझे बताना चाहती। मैं नहीं सुनना चाहती। सुन ले तो रूट जाऊंगा। रूट जाओ मेरी बड़ा। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती, नहीं करती। गंदा गुंडा लोफर। सुन सुन सुन,
अगली वो मेरी माँ थी। माँ 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 कुंदन बेटा, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ के आई। क्यों, क्या बात है चाची? पर रजनी की शादी है ना बेटा, पैसे का बंदोबस्त अभी तक कहीं नहीं किया। तो फिक्र ना कर चाची, अभी कल बहुत दूर है, तो घर जा तैयारियां कर, मैं पैसे लेकर आता हूँ। अच्छा बेटा, तू जा चाची। नहीं आई? अभी तक नहीं आया। और ताश के कमरे में मूलजी भाई और कांती दास ये लोग आए थे? नहीं, वो भी नहीं आया और शायद आज आए अभी नहीं। आज किस्मत साथ नहीं दे रही। अभी तो मैं पकड़ नहीं सका, ये बैग ले जाओ। थैंक यू। आपका बटुआ शुक्रिया। शुक्रिया कह देने से काम नहीं चलेगा। ये रहा आपका बटुआ, पहले वो माल निकाली जो आप मुझसे छीन के वापस लाए। उस बैग पे तुम्हारा क्या हक है? हक तो आपका भी इस बटुए पे कोई नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये आपका है। बेहतर तो यही कि आप मेरी चीज मुझे दें और अपना माल संभाले, वरना। वरना क्या? मैं मजबूर हो जाऊंगा वो करने पे जो कि मैं नहीं करना चाहता। एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी आप कर रहे हैं। लाइए, कहाँ छुपा रखा है वो माल? मगर वो बैग तुम्हारा नहीं था। मुझे जिस चीज की जरूरत होती है उसे मैं अपने आप किसी तरह भी हासिल कर लिया करता हूँ। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी? मुझे अपनी बहन की मांग में सिंदूर भरना, मेरे सामने एक अबला की जिंदगी का सवाल था जिसने मुझे सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। अब बोलिए, अगर आप मुझसे ज्यादा जरूरतमंद हैं तो यकीन जानिए आप ये सब कुछ रख सकते हैं, वरना मैं ये माल कभी नहीं छोड़ने वाला। मगर मैंने तो वो बैग उसी वक्त पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस के हवाले? हाँ, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें भी इसी वक्त पुलिस के हवाले कर सकता हूं।
मंजूर है, मगर एक शर्त पर। मैं आपको एक पता देता हूँ, आप उस पर 1500 रुपए भिजवा दीजिए, उसके बाद जहाँ आपको जी चाहिए मुझे ले जाइए, मुझे कोई परवाह नहीं। कहिए सौदा होता है? हेलो हेलो डैडी को जानते हो? जी हाँ, अच्छी तरह जानता। डैडी तुम? हाँ, मैं भी जानता हूँ तुम्हारे हीरो अंकल को। डैडी उस दिन तुमने कहा? हाँ, उस दिन और आज की बात में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? उस दिन दिन था और आज रात है। हाँ। अच्छा बेटे, अब तुम सो जाओ, मुझे तुम्हारे हीरो अंकल से बहुत सी बातें करनी है। अच्छा हीरो अंकल, कल को आओगे ना? जरूर आऊंगा। गुड बाय बाय डैडी। गुड बाय। गुड बाय। अच्छा तो तुम ही हो मेरे बेटे के हीरो अंकल, जिसने एक दिन उसकी जान बचाई थी? जी हाँ, और आज आपने मेरी जान बचाई है, हिसाब बराबर हो गया। नमस्ते। हस्ती से बस बेगाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। गमे हस्ती से बस बेगाना, चली आती कयामत अंजमन में, चली आती कयामत अंजमन में, गुलों को आग लग जाती चमन में, अलग बैठा कोई मस्ताना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। गमे हस्ती से बस बेगाना, जो देखा है सुना है जिंदगी में, जो देखा है सुना है जिंदगी में, वो बन के दर्द रह जाता नदी में, फकत इत्तेफाक एक ख्वाब एक अफसाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। घूमे हस्ती से बस बेगाना, उसी दीवानगी में बेखुदी में, उसी दीवानगी में बेखुदी में, न खुलती आँख सारी जिंदगी में, सदा गर्दिश में एक पैमाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। गमे हस्ती से बस बेगाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। मिस्टर, अरे वाह मिस्टर, जरा सुनिए तो। माफ कीजिएगा, वो एक मिस्टर कुंदन इसी मोहल्ले में रहते हैं, क्या आप उनके घर का पता बता सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे दोस्त है, शाम को मेरे घर पर आए थे, उन्हें कुछ रुपयों की जरूरत थी, इसलिए ये रुपए मैं उन्हें देने के लिए आया। ओ, मनी मेटर चलेगा,
सर्विस हम करेगा। रुपए तो दे दूं, लेकिन वो इस वक्त है कहाँ? जवाब नहीं अपने बॉस का, जैसा बॉस वैसा फ्रेंड। बट ये अपन को क्या मालूम अभी किधर होएगा? क्या मतलब? मतलब ये गरीबों की सेवा करना, बीमारों की दवा करवाना और उन बिचारी लड़कियों की शादी करवाना जिनकी शादी नहीं होती, यही सब हमारे उस्ताद का काम है। और देखिए ना, आज भी कितने अच्छे दोस्त हैं उनके, उनके लिए रुपया लाए हैं। ओ, अच्छा तो ये रुपया रख लीजिए, उन्हें दे देना। अगर वो ना आए तो जिस लड़की की शादी है उसकी माँ तक पहुँचा देना। अच्छा क्या बात है छोटी? कश्ती बना रहा हूँ। ओह, और इस कश्ती में जाओगे कहाँ? जहाँ तक ये ले जाए। तुम साथ दोगी क्या? तुम्हारा दिल क्या कहता है? अरे मेरे दिल की क्या बात, ये तो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जब किसी के दिल की हर चाहत पूरी हो जाए करती है। इस बात का जवाब तो दिल ही दे सकता है। किसका दिल, मेरा या तुम्हारा? सवाल बहुत तेरा है लेकिन जवाब बहुत सीधा है, हाँ या ना। अगर मैं ना कह दूं तो? और अगर मैं तुम्हारी ना को हाँ समझ लूं तो? अगर तुम मेरी हर बात का उल्टा मतलब निकालोगे तो मैं हाँ कह दूं। अरे यही तो मैं सुनना चाहता था। या उस्ताद पत्ता अंदर ही आए। ये दूरी हो गया यार, तेरा भी जवाब नहीं। भाई कमाल तो दिल्ली में करके आ रहे हैं, वहाँ के जितने जुआरी और दादा लोग थे सबको ठिकाने लगा दिया। अब तो बम्बई के दादा और जुआरियों को ठिकाने लगाना है। इन बात की औलाद, जहाज कब आ रहा है? क्या कहा? कुछ नहीं बाबा। हेलो, यस ड्यूटी ऑफिसर स्पीकिंग। हाँ हाँ ओके हवलदार, तुम फौरन नल भर जाओ और अपने साथ 4 सिपाही लेते जाना। नंबर 15 वहां होगा, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। हरी अब
फिर वो कौन घर का भेदी है तो सारी खबरें दुश्मन तक पहुंचा रहा है। याद रखो, अगर ऐसा ही होता रहा तो सबकी जिंदगी खतरे में है, और ये मेरी आखिरी बार भी है। पसंद तो है लेकिन चूड़ियां नहीं, ये मोटे मोटे कंगन जो गांव की अलग लड़कियां पहनती हैं। ऊंचा घगरा, लंबी चोटी, सर पे पानी का मटका, हवा में लहराता हुआ दुपट्टा, पल खाती हुई चाल, गोरी गोरी बाहों में सफेद चमकते हुए और खनकते हुए कंगन, ऐसे कंगन जो रात को आसमान पर तारे देखकर अपने आप आ जाते हैं, और गांव की कोई गोरी छू छू कर अपने आप नाच उठे। यह खतरा नहीं देख रहा, मगर बाप के प्यार ने अगर जरा से भी गलती की तो इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्यों मिस्टर जैन, क्या ये मुमकिन नहीं कि वो जिद में आकर बच्चे को मार डाले? कोई बड़ी बात नहीं सर, ऐसे लोगों की नजरों में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। तो फिर आप ही कहिए मिस्टर जैन, जहाँ कदम कदम पर बच्चे की जिंदगी को खतरा हो, जहाँ हर वक्त यही अंदेशा हो कि वो लोग अपने हाथ बच्चे के खून से रंगना चाहते हैं, ऐसे मौके पर मिस्टर अशोक का जिद करना मुनासिब है? जी नहीं, मेरे ख्याल में मिस्टर अशोक को मान जाना चाहिए। और मैं भी मिस्टर अशोक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें इस काम के लिए किसी दूसरे अफसर को मुकर्रर करने की इजाजत दे। अगर आप लोगों की यही राय है तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। अच्छा, थैंक यू मिस्टर अशोक। हमारे बच्चे को कुछ पता लगा? अभी कुछ नहीं पता चला खान। ओ, मर जाएगा साहब, हमारा बच्चे को पता लगाओ, मर जाएगा। और हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, सवाल है हमारे फर्ज और ड्यूटी का, और वो हम नहायत ईमानदारी से कर रहे हैं। यस सर, ये काम मैं आपके सपोर्ट करता हूँ। ये काम मेरे सिवा और कोई नहीं करेगा। तो क्या आपने अपना फैसला बदल लिया मिस्टर अशोक? जी हाँ, मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। क्यों? इसलिए कि एक तो मैं दिल्ली से आया ही इसी सिलसिले में, और दूसरे ये, जिस दिन किसी इंसान के फर्ज का रास्ता मोहब्बत रोक लेती है उस दिन उस इंसान की मौत हो जाती है। आप धोखा खा रहे हैं मिस्टर अशोक। जी नहीं, मैं असलियत बता रहा हूँ। आप कुछ भी कहिए लेकिन अपनी औलाद के प्यार को आप कभी नहीं छोड़ सकते। किस कदर बुजदिल होगा वो इंसान जो अपने एक बच्चे की खातिर मुल्क के बेशुमार बच्चों की जिंदगियां कुर्बान कर मेरे बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके मेरे सामने डाल दिए जाएंगे। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते वो लोग। मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगा, इसलिए मेरा ये आखिरी फैसला है कि अपने बच्चे की कुर्बानी देकर मैं उन सिसकते और बिलकते हुए बच्चों को मौत के मुंह से जरूर बचाऊंगा। मिस्टर अशोक, विश यू ऑल द लक। पेपर में वो राजा था ना, राजा वो पोते को लेके किधर फरार हो गया भाई ये, और पुलिस इसके पीछे भाग रहे लाए। कुंदन ऐसा नहीं कर सकता। सुनो, तुम कुंदन को ढूंढो, मैं उसके लिए कुछ करती हूँ। ये भी गई? ओ माय गॉड, हम उसको किधर ढूंढेगा? अरे वो कुंदन, अरे वो कुंदन, ओ कुंदन रे।
हेलो इंस्पेक्टर, मैं रीना बोल रही हूँ। देखिए मैं कुंदन को अच्छी तरह जानती हूँ। वो इंस्पेक्टर अशोक के बच्चे को नहीं उठा सकता, मुजरिम कोई और है। देखिए अगर आप कुंदन के पीछे पड़े रहे असली मुजरिम हाथ से निकल जाएगा। मैं उसी उलझन में हूँ, जैसे किसी नतीजे पर पहुंची आपको फौरन फोन करूंगी। ओके अच्छा दादा, असली मुजरिम कौन हो सकता है? छोटे हमें धोखा दिया क्या? वो चिट्ठी बिल्कुल बकवास थी। जब मैं पान गली पहुंचा ना वहां रीना थी और ना कोई और, सिर्फ एक लाश थी और उसके पेट के अंदर इतना बड़ा चाकू था। बाल बच के आ रहा हूँ मैं, मुझे लगता है मुझे फंसाने के लिए सब सिंह का चक्कर। अरे बॉस ही चक्कर अभी खत्म नहीं हुआ, इंस्पेक्टर का बच्चा और उठा के ले गए आप। हम ये पढ़ो पेपर पढ़ो। तमाम चक्कर मेरे ध्यान में आ गया, जरूर सिंह बच्चे को उठा के ले गया। मैं उसके सब अड्डों को जानता हूँ। मैं बच्चे के लिए जाता हूँ, तुम देखो रीना का है। गत्ते ने की इस चक्कर में तो अपन को घन चक्कर बता। हेलो कहाँ मिस रीना, मैं क्या बोल रही हूँ, अखबार में जो खबर छपी है वो गलत है। अशोक का बच्चा सिंह के आदमी ने उठाया है और वो मेरे पास है। जल्दी पहुँचिए, मैं राउंड बिल्डिंग में हूँ। हेलो इंस्पेक्टर, मैं रीना बोल रही हूँ। मिस रीना कहिए क्या खबर है? मिस्टर सिंह असली मुजरिम है, बच्चा इस वक्त प्रताप रोड राउंड बिल्डिंग में है। जी हाँ नोट कर लीजिए, प्रताप रोड राउंड बिल्डिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। हम अभी सिंह के अड्डे पे पहुंचे हैं। आप फौरन छापा मारिए। मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ। आपकी सारी स्कीम फेल होने की वजह मुझे मालूम है। बच्चे की भी कीमत आपको दिलवा सकता हूँ। हाँ हाँ अगर आप चाहे तो मुझसे मिलिए, मैं दरभंगा बिल्डिंग दस नंबर फ्लैट पे आता हूँ। देखो अच्छे बच्चे कहाँ मानते हैं। दूध पी लो। नहीं तुम को अपने पापा के पास जाना है ना, तो दूध पी जाओ। शाबाश खत्म कर दो, शाबाश।
कांटों के साए में फूलों का घर है, फूलों के घर पे जो तेरी नजर है, कांटे हटा के फूल सुन ले ओ राजा, सुन 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 ले ओ राजा, सुन 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 ले। गोरी गोरी हंसी तेरी जो कभी दब जाए गम काले काले से, बन जा हिम्मत का सितारा तू अपने ही मन के उजाले से, ढूंढे रास्ता जो मन के उजाले से, उससे भला किसी का क्या डर है, कांटों के साए में फूलों का घर है, फूलों के घर पे जो तेरी नजर है, कांटे हटा के फूल सुन ले ओ राजा, सुन 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 ले ओ राजा, सुन 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 ले।
लेकिन तुम रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो कुंदन। कौन भागना चाहता है इंस्पेक्टर साहब? माना मैंने कानून के बंधनों को बार बार तोड़ा है, लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूं इंस्पेक्टर साहब। हाँ, मैंने इंसान और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए जो कुछ भी किया, अगर उससे तुम समझते तो ठीक है, मैं मुजरिम हूँ। मुझे अपने किए पे कतई पछतावा नहीं। बच्चे को मेरे हवाले कर दो। इंस्पेक्टर साहब, इस बच्चे को गुंडों के पंजों से छुड़ाने का जुर्म भी मैंने ही किया है। मैं खुद इसको इसके बाप तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आखिरी जुर्म भी अधूरा न रहे। चलिए आओ। हमारे ये जमाना, सूरत जारी।